आपको क्या लग रहा है कि आगे जाके अब तहरीक इंसाफ की सियासत कैसी है, क्या सियासत से आउट होती तहरीक इंसाफ नजर आ रही है, खासतौर पर जो आजम खान का आज बयान सामने आया? जी बिल्कुल, मुझे तो फिलहाल इस इलेक्शन में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना बहुत ज्यादा सीटें निकालती हुई नजर नहीं आ रही, और ये जो आज साइफर के हवाले से जो कन्फेशन सामने आई है इससे बहरहाल मजीद फर्क पड़ेगा पीटीआई की कैंडिडेट। फिलहाल सबसे बड़ा मसला इस इलेक्शन में पीटीआई के लिए कैंडिडेट का तलाश करना होगा। हाँ। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत ज्यादा कैंडिडेट जो विलिंगली, जो हमारा सियासतदान है वो बड़ा समझदार है, जिस तरह इंसान का गुस्सा बड़ा समझदार होता है इसी तरह हमारा सियासतदान भी बड़ा समझदार है। हमारा सियासतदान देखता है कि वो क्या किस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ के वो असेंबली तक पहुंच सकेगा। जब उसे ये लगता है कि भी इस पार्टी के ऊपर क्रॉस लग गया तो फिर वो उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ता। यानी आपको लग रहा है कि अब मजीद मुश्किलात उनकी बढ़ने वाली है।